कोंडा गांव में स्कूली छात्रों से कार्य कराए जाने का मामला लगातार सामने आ रहा है, जिस पर पूर्व में हुई कार्यवाही के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने कोई सबक नहीं लिया है। ताजा मामला विकास नगर स्टेडियम का है, जहां शिक्षा विभाग के द्वारा खेलों का आयोजन कराया जा रहा है, जिसके आयोजन के पूर्व ग्राउंड में बालकों से चूने से मार्किंग व साफ सफाई का कार्य कराया गया, जिसकी जानकारी जब जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र पांडे को दी गई तो वे सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने लगे और कार्यवाही की बात कही। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व स्कूली बच्चों से काम कराने के मामले में दो शिक्षकों पर निलंबन की कार्यवाही की गई थी। इस मामले में भी शिक्षक संगठन ने हल्ला बोलकर जगदलपुर के ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय का घेराव किया और निलंबन पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मैं अभी आपके माध्यम से मुझको पता चला तो मैं जानकारी लिया, तो वो एक खेल एसोसिएशन के कुछ वो हैं, वॉलंटियर हैं, वो लाइनिंग कर रहे हैं ऐसा बता रहे हैं। लेकिन इस पार्ट में मैं अभी डीएसओ से मेरी बात हुई है, वो आके आपको स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में घटना क्या है। सर, स्कूली बच्चों से इस तरह का कार्य कराने नहीं, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो विभाग के कुछ कर्मचारी भी कर्मचारी उसमें संलग्न किया जा सकता है जी। इसमें कोई कार्रवाई सर? पहले वो परिस्थितियों को स्पष्ट करेंगे डीएस कुमार काम, उसके बाद हम आपको अवगत कराएंगे। सर, स्टेडियम ग्राउंड में क्या कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बताएंगे? फुटबॉल कार्यक्रम हो रहा है सर, किस विभाग द्वारा कराया जा रहा है? शिक्षा विभाग के द्वारा। सर, इसके लिए ऑथराइज कौन है, किसके सुपरविजन में करवाया जा रहा है? हमारा विभाग प्रमुख। विभाग प्रमुख कौन सर? भाई विभाग प्रमुख मतलब ये अपना शिक्षा विभाग डीओ द्वारा कराया जा रहा है ना, संभाग स्तर से हो रहा है ना ये। हम लोग 10 बजे हमारा पूरा पर्याप्त कर्मचारी लगा हुआ है, वृत्तियों की ड्यूटी लगा हुआ है, स्टाफ की ड्यूटी लगा हुआ है, और फुटबॉल के लिए फुटबॉल का जो यहाँ जो संघ है, संघ से पूरा बात हो गया है कि फुटबॉल का आयोजन हो रहा है आपके लोगों के द्वारा भी। सर, वहाँ पर देखा जा रहा है कुछ बच्चे जो हैं स्कूली बच्चे चूल्हा लेन मार्किंग वगैरह का काम, उसको पता करेंगे। हमारे पास तो पर्याप्त ड्यूटी लगा हुआ है, वृत्तियों का लगा हुआ है, कर्मचारियों का लगा हुआ है। संयुक्त संचालक कार्यालय के लिए यदि कोई शिक्षक गए हुए हैं तो इस संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। सर, आज घेराव किया गया है ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय का, तो क्या नियम क्या कहता है कि अगर यहाँ के शिक्षक जा रहे हैं फेडरेशन की तरफ से तो क्या उनको अनुमति लेकर नहीं जानी चाहिए? यदि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी कार्यवाही होती है तो उस स्थिति में अपने उच्च कार्यालय को अनुमति लेने के पश्चात ही अन्यत्र जाना होता है। तो क्या इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं है जिला कार्यालय? जिला कार्यालय को किसी प्रकार की सूचना। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।